आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप ऑनलाइन एजुकेशन का भरपूर आनंद उठाते हुए पढ़ रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके अंदर क्या करना है? क्वेश्चन है, ऑब्टेन्ड ऑल द अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड −√5/3। सिंपल सी बात है, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी पावर है 4, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 4 होंगे। अगर पावर 3 हो तो जीरोज 3 होंगे, अगर पावर n है तो जीरोज भी n होंगे। तो इस सम के अंदर जीरोज कितने होंगे? 4। तो हमारे पास 2 जीरोज आर गिवन, तो हियर 2 जीरोज आर √5/3 एंड −√5/3। देन द वैल्यू ऑफ x इज √5/3, अनदर वैल्यू ऑफ x −√5/3। देन द फैक्टर्स आर x, इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, x −√5/3, x +√5/3। तो यहां पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर मीन √5/3 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/3। तो ऐसे हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये जो 5/3 फ्रैक्शन में है, आप चाहे तो इससे डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं भी हम ये जो फ्रैक्शन में है इसको हम नीचे फ्रैक्शन को ठीक करें, 3 को रिमूव करें। इसको रिमूव करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, देन टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ 3x² - 5 इज इक्वल टू 0, 3 को इधर ले जाएंगे तो 3x² - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस इन दिस इक्वेशन 3x² - 2 इज द पॉलिनोमियल विच इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम x² - 5/3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3x² - 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 3x² - 5 से डिवाइड करूंगा ताकि आपको जो परेशानी है वो कम से कम हो। 3x² है यहां पे, 3x^4 चाहिए, तो कितने बार मल्टीप्लाई किया जाए? यहां x^2 है, यहां चाहिए 4, 8 मींस 1 तो x² चाहिए, 3 तो है, तो x² के ऊपर गया, x² × 3x² इज इक्वल टू 3x^4। x² को −5 से करेंगे तो −x², फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का था प्लस कर दिया, तो ये कट गए, ये 6 एज इट इज नीचे आ गया, और यहाँ ये साइन तो चेंज हो गया, प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो 3x² प्लस का 10x माइनस का नीचे आ गया, −5 नीचे आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, 1 तो 2 चाहिए, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, इट मींस 2x पे जाएगा, तो प्लस का 2x, तो 2x पे जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 6x³, 2x को −5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? −10x। तो ये साइन चेंज करने के बाद कट गया, ये भी माइनस का 10x, ये भी कट गया, 3x² नीचे आया, −5 नीचे आया, तो यहाँ भी 3x², यहाँ भी 3x² कितने पे जाएगा? 1 पे। तो 1 पे जब गया तो 3x² - 5 वही सेम टर्म आ गई यहाँ पे, तो साइन चेंज करेंगे, ये कट गए, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, तो इसके तो हमें फैक्टर पता है √5/3 और −5/3, दो यहां से आएंगे, तो दो फैक्टर कहां से आएंगे? यहां से आएंगे, जीरोस हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो x² + 2x + 1 इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी के द्वारा भी फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर स्प्लिटिंग मेथड का यूज किया है, x + x = x + x + 1, तो यहां से कॉमन क्या आ गया? x, यहां से कॉमन क्या आ गया? 1, अब दोनों में x + 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। इस फैक्टर के बाद जब हम जीरोज निकाल लेंगे तो दोनों को इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो x की वैल्यू जब 1 को इधर लेंगे −1, इधर भी −1, तो आप देख सकते हैं 2 जीरोज तो हमें पहले से गिवन थे और 2 जीरोज अब हमने निकाल लिए, वो दोनों एक जैसे ही आए हैं, -1 और
माइनस वन। इस तरह से जो फोर जीरोस हमने कैलकुलेट करने थे वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो अगला सम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। यह सम बहुत ही आसान है और दूसरे सम से डिफरेंट भी है, क्योंकि हमने अभी तक जो सम किए थे उसमें हमने हमें डिवाइजर दिया हुआ था, डिवाइडेंड दिया हुआ था, और हमें क्या कैलकुलेट करना था, कोशेंट और रिमाइंडर। लेकिन इस सम के अंदर हमें डिवाइडेंड दिया हुआ है, कोशेंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करना, डिवाइजर। तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ये है भी, यहां पर हमने डिवाइजर कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। यहां पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस एल्गोरिथम को आप सभी जानते हैं। तो यहां पर हम जो दी हुई वैल्यू है उसको पुट करते जाएंगे। तो डिवाइडेंड यहां पर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है। इसी प्रकार जो डिवाइजर है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो जी एक्स पॉलिनोमियल के रूप में हमने ले लिया है। और कोशेंट जो है वो एक्स माइनस टू है, प्लस जो रिमाइंडर हमें गिवन था माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है भी जी एक्स को फाइंड आउट करना है और बाकी चीजें हमें गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। यहां देख रहे हो माइनस टू का माइनस टू एक्स है और ये प्लस फोर है। इन दोनों को जब इक्वल पे इस साइड लेके आएंगे तो टू एक्स प्लस का हो जाएगा, फोर माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये इक्वल टर्म्स हैं, तो टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। टू प्लस का है, माइनस का फोर है, जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का टू आ जाएगा, जी एक्स इन टू एक्स माइनस टू। तो नेक्स्ट स्टेप में जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू इसके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब हमें अब जी एक्स मिल गया है, बस सिर्फ किस चीज की देरी है, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसको नीचे वाले पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड कर देना है। तो आइए हम डिवीजन के थ्रू जी एक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस टू, ये हमने अंदर ले लिया, एक्स माइनस टू से डिवाइड करने जा रहे हैं उसी अंदाज से जैसे पहले करते आ रहे हैं। एक्स को हमने एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर पे जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वल टर्म्स हैं, साइन चेंज हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, सॉल्व करेंगे जीरो आ गया, माइनस का थ्री प्लस का टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स हम ऊपर से उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ x है, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो x इंटू क्या करेगी, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस x पे जाएगा माइनस x। तो माइनस x को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस टू प्लस टू, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो ये दोनों कट गए, प्लस का थ्री माइनस का टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ गया, माइनस टू हमने नीचे उतार लिया। यहां भी x है, यहां भी x है, तो कितने पे गया, वन पे, तो वन पे गया, वन इंटू एक्स एक्स, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो, क्योंकि ये फैक्टर था ही, इसलिए हमने जी एक्स जो है कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। तो ऐसे इस हमें जो डिवाइजर कैलकुलेट करना था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत ही आसान सम, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।